नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुकमणी करंट अफेयर बुक के नए एडिशन से 600 MCQ प्रश्नों को, जो कि आपको जून 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है जून 2022 का करंट अफेयर, उसके बाद में हम धीरे धीरे बाकी के मंथ भी देखेंगे और जनवरी 2023 तक हम जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास जून 2022 का, 1 जून 2022 को शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात में। दूसरा प्रश्न है, टाइटन रागा ने 1 जून 2022 को किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है आलिया भट्ट को। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 2 जून 2022 को हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है भारत ने, इसका आंसर है भारत ने जीता है। चौथा प्रश्न है, जून 2022 को किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न योजना जून 2022 में शुरू की है। पांचवा प्रश्न है, किस खिलाड़ी को 3 जून 2022 को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है डैरेन सैमी को, डैरेन सैमी को। छठा प्रश्न है, 3 जून 2022 को किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रश्मि शाहू को। सातवां प्रश्न है, 4 जून 2022 को जापान के फुगाकू को पछाड़ कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बन गया है कौन सा? तो इसका आंसर है फ्रंटियर, इसका आंसर है फ्रंटियर। आठवां प्रश्न है, 4 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभारंभ कहां हुआ? तो इसकी शुरुआत कहां हुई खेलो इंडिया यूथ गेम की 2021 में? तो इसका आंसर है हरियाणा में। नौवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइफ आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर है 5 जून 2022 को, 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाइफ आंदोलन की शुरुआत की गई। दसवां प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, 5 जून 2022 को भारत ने तय अवधि से पूर्व ही कितने फीसदी इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन ए 10% का। ग्यारह प्रश्न है, 6 जून 2022 को अग्नि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर है चौथे संस्करण का परीक्षण किया गया अग्नि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का। 6 जून 2022 को बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहां आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है मंगोलिया में, ये आप जरूर याद रखें। 13वां प्रश्न है, किस राज्य को संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार 6 जून 2022 को दिया गया है? तो इसका आंसर है मेघालय को। 14वां प्रश्न है, जून 2022 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर है दिल्ली ने, दिल्ली राज्य ने। 15वां प्रश्न है, जून 2022 में किस राज्य ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है राजस्थान ने। WHO द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका आंसर है 7 जून 2022 को, 7 जून 2022 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, इसे भी आप जरूर याद रखें। 17वां प्रश्न है, जून 2022 में ब्लू डूक को राजकीय तितली किस राज्य ने घोषित किया है? तो इसका आंसर है सिक्किम ने। 18वां प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 180वीं। 19वां प्रश्न है, 8 जून 2022 को मिताली राज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ये किस राज्य की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान की, मिताली राज जो है वो राजस्थान से बिलोंग करती है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, 8 जून 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है AR रहमान को। दोस्तों आगे हमारे पास 21वां प्रश्न, जून 2022 में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका आंसर है गोवा में, आप इसे जरूर याद रखें। 22वां प्रश्न है, 9 जून 2022 को FIH हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है भारत ने, भारत ने जीता है FIH हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। 23वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, 10 जून 2022 को भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है के राहुल श्रीवास्तव। 24वां प्रश्न है, जून 2022 में हर सिगरेट पर चेतावनी छापने वाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चेतावनी छापने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर है कनाडा, इसका आंसर है कनाडा। 25वां प्रश्न है, 12 जून 2022 को भारत का पहला केंद्रीकृत AC टर्मिनल
एवं अल्ट्रा लग्जरी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल कहाँ चालू किया गया है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। आप इसे जरूर याद रखें। 26वां प्रश्न है, 19वां शांग्रीला डायलॉग 2022 की मेजबानी जून 2022 में किस देश ने की है? तो इसका आंसर है सिंगापुर ने। 27वां प्रश्न है, 13 जून 2022 को किस राज्य ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। इसका आंसर है कर्नाटक राज्य ने। 28वां प्रश्न है दोस्तों, 14 जून 2022 को भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श पहली बार कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये आप जरूर याद रखें। 29वां प्रश्न है, 15 जून 2022 को भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता बन गई है? तो इसका आंसर है एक्स पे लाइफ। 30वां प्रश्न है, 15 जून 2022 को पीएम मोदी द्वारा जगत गुरु श्री संत तुक्काराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका आंसर है पुणे महाराष्ट्र में। 31वां प्रश्न है, 16 जून को जारी किफायती प्रतिभा के मामले में भारत के किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है केरल को। 17 जून 2022 को कर्नाटक का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है भीमन गोड़ा पाटिल को। 33वां प्रश्न है दोस्तों, 18 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है वो क्या है? तो भारत की रैंक इसमें क्या है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में? तो इसका आंसर है 37वीं। किस देश में स्थित अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जून 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है कतर। ये कतर का हवाई अड्डा है अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जून 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। 19 जून 2022 को पीएम मोदी ने किस राज्य में पावागढ़ हिल पंचमहल में श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है गुजरात में। 20 जून 2022 को हुई घोषणा के अनुसार किस देश में 2026 का फीफा विश्व कप आयोजित नहीं होगा? तो इसका आंसर है जमैका में। यानी कि तीन देशों में संयुक्त रूप से ये आयोजित किए जाएंगे 2026 का फीफा विश्व कप, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी, जिसमें जमैका शामिल नहीं है। 37वां प्रश्न है, जून 2022 में पीएम मोदी द्वारा विमोचित पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है राम बहादुर राय। 38वां प्रश्न है, 21 जून 2022 को धन संचय योजना शुरू किया है किसने? तो इसका आंसर है बी एलआईसी ने। 39वां प्रश्न है, 22 जून 2022 को किस क्रिकेटर के जीवन पर आधारित फिल्म शाबाश मिट्टू का ट्रेलर जारी किया गया है? तो इसका आंसर है मिताली राज। 40वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है 2022 में 23 जून को मनाया गया है, इसे आप जरूर याद रखें। 41वां प्रश्न है, 23 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर है लीसा स्टालेकर। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक के लेखन की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर है आर.एन. भास्कर ने। 43वां प्रश्न है, 24 जून 2022 को यूरोप के स्टार्टअप सम्मेलन वीवा टेक 2022 में किस देश को वर्ष का देश घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है भारत को। 44वां प्रश्न है, 25 जून 2022 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है श्याम सरन। 45वां प्रश्न है, 26 जून 2022 को भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है विजय अमृत राज को। 27 जून 2022 को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर बताया गया है? तो इसका आंसर है वियना को, जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है राहुल रामा गुंडम। 48वां प्रश्न है, 28 जून 2022 को यूजीन में आयोजित यूएस चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का जो फाइनल है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिडनी मैक लॉगनिन। 49वां प्रश्न है, नासा ने 29 जून 2022 को कहां से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड से।
50वां प्रश्न दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने पहली बार 2022 में किस तिथि को शपथ लिया? तो इसका आंसर है 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहली बार 2022 में 30 जून को शपथ ली है। दोस्तों आगे हमारे पास अब जुलाई 2022 का करंट अफेयर 51 प्रश्न से है। 1 जुलाई 2022 को पूरी रथ यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? तो इसका आंसर है ओडिशा से। गैल के नए चेयरमैन 1 जुलाई 2022 को कौन बने हैं? तो इसका आंसर है संदीप गुप्ता। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र के शहरों के परिवर्तित नाम का सही सुमेल है? तो इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किया गया है, उस्मानाबाद का नाम धारा शिव। जुलाई 2022 में 32वां नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है स्पेन में। इसका आंसर है स्पेन में। 55वां प्रश्न है, 3 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गया है? तो इसका आंसर है राहुल नार्वेकर। 4 जुलाई 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है अशोक सूता को। 5 जुलाई 2022 को डिजिटल इंडिया वीक 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आंसर है गांधीनगर गुजरात में। 6 जुलाई 2022 को अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां हुआ है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारे पास 7 जुलाई 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री पद से बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है? तो आंसर है ब्रिटेन, यूके से। 60वां प्रश्न है, यूनेस्को ने जुलाई 2022 में किस तिथि को पहला विश्व किसवली भाषा दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है 7 जुलाई को। आप इसे भी जरूर याद रखें कि यूनेस्को ने 7 जुलाई को पहला विश्व किसवली भाषा दिवस मनाया है। पहला विश्व किसवली भाषा दिवस मनाया है जुलाई 2022 में, जो कि मनाया गया 7 जुलाई को। 61वां प्रश्न है, 7 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की गई है? इसका आंसर है लोक प्रशासन में। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में या फिर कैटेगरी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की गई है, जो इस क्षेत्र में अब दिया जाएगा। 62वां प्रश्न है, 8 जुलाई 2022 को G20 का नया शेरपा किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है अमिताभ कांत को। जुलाई 2022 में वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है बॉन, जर्मनी में। 64वां प्रश्न है, स्वामी रामानुजाचार्य की स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण 9 जुलाई 2022 को कहां किया गया? तो इसका आंसर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। स्टेच्यू जो ऑफ पीस है, इसका जो उद्घाटन है, ये अमित शाह ने किया था 9 जुलाई 2022 को। और एक और है हमारे पास स्वामी रामानुजाचार्य की, जिसे स्टेच्यू ऑफ इक्विटी नाम दिया गया था, उसका फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था हैदराबाद में। आप ये जरूर याद रखें, क्योंकि दोनों मूर्तियां एक ही व्यक्ति के नाम पर है, पर इनका नाम अलग अलग है। इसे स्टेच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया है, जो कि श्रीनगर में है, और वो स्टेच्यू ऑफ इक्विटी है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। वो हैदराबाद में है जो स्टेच्यू ऑफ इक्विटी है, ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य जुलाई 2022 में कौन बन गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 66वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 11 जुलाई को। 68वां प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर कितना मीटर ऊंचा राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर है 6.5 मीटर का। 12 जुलाई 2022 को स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर है एस जय शंकर ने। 12 जुलाई 2022 को इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश जो है वो कौन बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। आप जरूर याद रखें कि इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला जो भारत देश है वो 68वां देश बना है। 71वां प्रश्न है, 13 जुलाई 2022 को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है किसे? तो इसका आंसर है लेह को। जो कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा, इसे आप जरूर याद रखें। 72वां प्रश्न है,
14 जुलाई 2022 को प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। 14 जुलाई 2022 को एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम पूरा करने वाला सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी है? तो इसका आंसर है जानवी डांगेती। 15 जुलाई 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर है ए एवं बी दोनों को, यानी कि अफरोज शाह को भी और दिया मिर्जा को भी। 16 जुलाई 2022 को शंघाई सहयोग संगठन ने किस शहर को अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो इसका आंसर है वाराणसी को, आप जरूर याद रखें। 76वां प्रश्न है, 16 जुलाई 2022 को उपभोक्ता मामले विभाग ने अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जागृति। 17 जुलाई 2022 को अपने इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है केरल, ये भी आप जरूर याद रखें। 18 जुलाई 2022 को किस देश के क्रिकेटर बेन स्टॉक ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं बेन स्टॉक, जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया है जुलाई 2022 में। 19 जुलाई 2022 को हुई घोषणा के अनुसार विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो इसका आंसर है टोक्यो को। जुलाई 2022 में किन राज्यों के बीच नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका आंसर है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। 81वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, 19 जुलाई को किस देश के टेनिस खिलाड़ी लैटन हैविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के। 20 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में MSP प्रणाली को मजबूत करने हेतु एक समिति गठित की है? तो इसका आंसर है संजय अग्रवाल। 20 जुलाई को भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसे आप जरूर याद रखें। 21 जुलाई को PM नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है वरुण। किस देश की अध्यक्षता में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता 21 जुलाई को आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों को, यानी कि जर्मनी और मिस की संयुक्त अध्यक्षता में। 86वां प्रश्न है, 22 जुलाई 2022 को 68वें फिल्म पुरस्कार हेतु सही सुमेल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सत्य है, उपरोक्त सभी सत्य सुमेल है। 87वां प्रश्न है, 23 जुलाई 2022 को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है? तो इसका आंसर है बुरहानपुर मध्य प्रदेश, यहाँ पर यह पूरा नहीं दिया गया, ये हर घर जल प्रमाणित होगा, हर घर जल। 88वां प्रश्न है, 24 जुलाई 2022 को फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टापन ने, मैक्स वर्स्टापन ने। 25 जुलाई 2022 को प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। 26 जुलाई 2022 को एक रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर का निधन हो गया है, उनका मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है सुशोभन बनर्जी, सुशोभन बनर्जी। 91वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस देश ने अभिनेता कमल हसन को गोल्डन वीजा दिया है? तो इसका आंसर है UAE। आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UIDAI ने 26 जुलाई को किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आधार फेस RD, आधार फेस RD। किस देश ने जुलाई 2022 में वेंटियन नामक अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चीन ने। 94वां प्रश्न है, किस राज्य में स्थित पल्लिकरनई मार्स फॉरेस्ट रिजर्व और विचुवरम मैंग्रोव को जुलाई 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, इसका आंसर है तमिलनाडु। 27 जुलाई 2022 को विस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की को। 27 जुलाई को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है इंद्रमीत गिल को। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने किस क्रम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर है 15वें राष्ट्रपति के क्रम में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 को जो है वो किस तिथि को मनाया गया? तो इसका आंसर है 29 जुलाई को, इसका आंसर है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, बंधन बैंक ने जुलाई 2022 में अपना पहला करेंसी चेस्ट कहाँ स्थापित किया है? तो इसका आंसर है पटना में।
16वां प्रश्न है दोस्तों, 31 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर पेटीएम की जो जगह है वो किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है मास्टर कार्ड को। दोस्तों अब हमारे पास शुरू हो रहे हैं अगस्त 2022 के करंट अफेयर और 101 प्रश्न से शुरू है। अगस्त 2022 में किस देश को ICC ने एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी को, यानी कि उज्बेकिस्तान को भी, कंबोडिया को भी और आइवरी कोस्ट को भी। इसे आप जरूर याद रखें। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है सुनील गावस्कर। ये भी आप जरूर याद रखें। 1 अगस्त 2022 को पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है गेम्स वाइड ओपन। 1 अगस्त 2022 को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सत्येंद्र प्रकाश को। 2 अगस्त 2022 को पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले के गठन की घोषणा के साथ ही पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर है 30। इसे आप जरूर याद रखें कि अब पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनने के बाद, उनके गठन के बाद, अब जिलों की जो संख्या है कुल पश्चिम बंगाल में 30 हो जाएगी। इसे आप जरूर याद रखें। 3 अगस्त 2022 को लाल किले से संसद सदस्यों की हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ जो है वो किसने किया? तो इसका आंसर है वेंकैया नायडू ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य, यानी कि आयोजन जो था वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक थी PV सिंधु और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे अंचिता शरत कमल और निकत जरीन। ये तीनों ही उपरोक्त बातें सत्य हैं। 4 अगस्त 2022 को संकल्प से सिद्धि सम्मेलन का 3rd संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। 109 प्रश्न है, यूनेस्को ने अगस्त 2022 में बिहार के किस कॉलेज में 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है? तो इसका आंसर है लंगट सिंह कॉलेज। 110वां प्रश्न है, 5 अगस्त को किस राज्य ने अपनी सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड ने। 111वां प्रश्न है, 5 अगस्त को किस राज्य के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। भारत का 75वां ग्रैंड मास्टर अगस्त 2022 में किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है वी प्रणव को। 6 अगस्त 2022 को डी पॉल RNGM डस्टन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है दलाई लामा को। 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों में 100% पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है गोवा। इसका आंसर है गोवा राज्य ने। अगस्त 2022 में भारत की आजादी के 75 साल के सफर में हासिल की गई उपलब्धियों की ऑनलाइन परियोजना इंडिया की उड़ान किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है गूगल के द्वारा। ये आप जरूर याद रखें कि इंडिया की जो उड़ान परियोजना है वो गूगल के द्वारा शुरू की गई है। 9 अगस्त 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका की। ये अमेरिका की प्लेयर है सेरेना विलियम्स। विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका आंसर है 10 अगस्त को। किस शहर के रविंद्र नाट्य मंदिर में 9 अगस्त को 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है मुंबई। 119वां प्रश्न है, 12 अगस्त 2020 को 600 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है किरण पोलार्ड। 12 अगस्त को स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है इसरो ने। 121वां प्रश्न है, 13 अगस्त 2022 को 2021 से 22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 7वीं बार किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है सुनील छेत्री को। अगस्त 2022 में किस राज्य में अगस्ता मलाई बायो सीफिया रिजर्व को राज्य का 5वां हाथी रिजर्व दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु में ये स्थित है अगस्ता मलाई बायो सीफिया रिजर्व, जिसे तमिलनाडु राज्य का 5वां हाथी रिजर्व का दर्जा दिया गया है। 14 अगस्त को राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो इसका आंसर है शेयर निवेशक थे। 15 अगस्त 2022 को PM मोदी द्वारा घोषित 5 प्रण में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है आपसी
सहयोगात्मक सोच, आपसी सहयोगात्मक सोच ये शामिल नहीं है। बाकी विकसित भारत, गुलामी के हरण अंश से मुक्ति और नागरिकों में कर्तव्य की भावना, ये तीनों ही बातें शामिल हैं। इप्सोस इंडिया द्वारा अगस्त 2022 में जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार देश का सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है रक्षा बल। रक्षा बल 17 अगस्त को वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो इसका आंसर है जोधपुर में। जोधपुर में 17 अगस्त को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किस नाम से किया है? तो इसका आंसर है रोशनी। इसका आंसर है रोशनी नाम से किया है। 128वां प्रश्न है, 18 अगस्त को किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने संन्यास लिया है? तो इसका आंसर है आयरलैंड। तो आयरलैंड के प्लेयर है ये केविन ओब्रायन। 19 अगस्त 2022 को शत प्रतिशत हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो इसका आंसर है गोवा। ये आप जरूर याद रखें। महावारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश अगस्त 2022 में कौन बन गया है? तो इसका आंसर है स्कॉटलैंड। ये प्रश्न भी आप जरूर याद रखें। 131वां प्रश्न है, किस महापुरुष के लंदन स्थित घर को ब्लू फ्लैग से अगस्त 2022 में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। 20 अगस्त 2022 को भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप हेतु समर्पित अपनी पहली शाखा कहाँ खोली है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप हेतु समर्पित अपनी जो पहली शाखा है वो बेंगलुरु कर्नाटक में खोली है अगस्त 2022 में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 133वें प्रश्न की तरफ। 21 अगस्त को वोस्टोक 2022 अभ्यास कहां शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है रूस में। अगस्त 2022 में किस रेल जोन द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का ट्रायल किया गया है? तो इसका आंसर है मध्य रेलवे। इसका आंसर है मध्य रेलवे के द्वारा, यानी कि मध्य रेलवे जो जोन है उसके द्वारा ये किया गया है सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का ट्रायल। 21 अगस्त 2022 को भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर है मंडला। 21 अगस्त को 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आंसर है ग्वालियर में। और मैं आपको बता दूं कि जो मंडला है ये मध्य प्रदेश का जिला है। 22 अगस्त को किस राज्य में अमेरिका के तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। 23 अगस्त 2022 को 23वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद के बैठक का जो आयोजन है वो कहां हुआ है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। 24 अगस्त को अमृत अस्पताल का जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी ने कहां किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा में। 24 अगस्त को किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है पराग्वे में। 141वां प्रश्न है, कमेंटर शैली में प्लेजर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है सना इरशाद भुट्टो को। 25 अगस्त 2022 को भारत ने किसे हराकर 14 वर्षों बाद 14वीं अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल जो कि पुरुषों की चैंपियनशिप थी जीती है? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया को। तो भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 14 वर्षों के बाद 14वीं अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप जीती है। 143वां प्रश्न है, 26 अगस्त 2022 को लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। 144वां प्रश्न है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ द्वारा अगस्त 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, यानी कि पुरुष वर्ग में करीमा बेंजेमा को और महिला वर्ग में अलेक्सिया पुटेलॉस को, इन दोनों को घोषित किया गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। 145वां प्रश्न है, 27 अगस्त को भारत ने किस वर्ष तक प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य घोषित किया है? तो इसका आंसर है 2070 तक। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज अगस्त 2022 में कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विराट कोहली। 28 अगस्त 2022 को किस देश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। 30 अगस्त 2022 को अभिजीत सेन का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, योजना आयोग के पूर्व सदस्य। 10 क्वेश्चन है दोस्तों,
राष्ट्रमंडल 2022 के संदर्भ में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बी एवं सी सही सुमेलित है कि ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक इसमें जीते थे। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 57 इसमें स्वर्ण पदक जीते थे, जो स्वर्ण पदक थे इसके ऑस्ट्रेलिया के 57 थे, और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा था और तीसरे पर कनाडा, और भारत ने 22 स्वर्ण 16 रजत व 23 कांस्य पदकों सहित पदक तालिका में चौथा स्थान इसमें हासिल किया था। तो पहले पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर भारत रहा था। तो बी और सी सही सुमेलित कथन है। 150 प्रश्न है, अगस्त 2022 में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो इसमें से सिर्फ गलत कथन आपको बताना है। तो आधिकारिक शुभंकर पेरी अबुल था, आदर्श वाक्य गेम्स फॉर एवरीवन ये भी था, और कुल प्रतिभागी देश 75। तो कुल प्रतिभागी देश इसमें 75 नहीं बल्कि 72 देश थे। तो ये सही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है कि कुल प्रतिभागी देश 75 थे, कुल प्रतिभागी जो देश थे वो 72 थे। दोस्तों अब हमारे पास शुरू हो रहे हैं सितंबर 2022 के एमसीक्यू प्रश्न। तो 151 प्रश्न है, 1 सितंबर 2022 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हजीरा गुजरात में। 2 सितंबर को जारी साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मुंज पारा महेंद्र भाई कालू भाई। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2022 को किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर बी शेख अली का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है गोवा, इसका आंसर है गोवा के। किस भारतीय कंपनी ने सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध देश का पहला टीका बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ने। रमन मैग्सेसे 2022 के संदर्भ में सही कथन, तो आपको सही कथन बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोतियारा छीन, तदाशी हटोरी, बर्नार्डेट जे मैड्रिड और गैरी बेन चैकिप को यह पुरस्कार मिला था रमन मैग्सेसे 2022 में, और ये सत्य नहीं है। सोतियारा जो छिम थे वो कंबोडियाई मनोचिकित्सक थे, सोतियारा जो छिम थे ये कंबोडियाई मनोचिकित्सक थे, और जापान के जो नेत्र रोग विशेषज्ञ थे वो तदाशी हटोरी थे, तदाशी हटोरी थे, और बर्नार्डेट जो मैड्रिड थे वो फिलिपीन में बाल रोग विशेषज्ञ थे, और गैरी बेन चैकिप एक फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता थे जिन्होंने इंडोनेशियाई नदियों में पर्यावरण प्रदूषण को, प्लास्टिक प्रदूषण को प्रयास किया था उसको हटाने हेतु। 156 प्रश्न है दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन कब हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8 सितंबर 2022 को, 8 सितंबर 2022 को। 3 सितंबर 2022 को किस देश के मरखम शहर का नाम ए आर रहमान के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है कनाडा। 3 सितंबर को विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपेक्षा फर्नांडिस, अपेक्षा फर्नांडिस। 4 सितंबर को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अंबर ग्रेट नेशनल पावर्स में आवाज देने हेतु किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है? तो इसका आंसर है बराक ओबामा को, आप इसे जरूर याद रखें। 5 सितंबर को शुरू की गई पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों के उन्नयन और विकास की घोषणा जो है वो की गई है? तो इसका आंसर है 14,500। 6 सितंबर को भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर या पीछे छोड़कर विश्व की कौन से क्रम की अर्थव्यवस्था अब जो हो गई है, जो भारत है वो कौन से क्रम की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं। 7 सितंबर को किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा जो है वो की गई है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल को। छत्तीसगढ़ का नया 29वां जिला सितंबर 2022 में किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को। 8 सितंबर 2022 को इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के सड़क, राजपथ तथा सेंट्रल विस्तार लॉन का जो नाम है वो क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। 8 सितंबर को इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 28 फुट, ऑप्शन बी 28 फुट। 8 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी को, यानी कि त्रिशूर को भी, वारंगल को भी और नीलांबूर को भी। छत्तीसगढ़ में 9 सितंबर 2022 को शक्ति और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के उद्घाटन के बाद कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 33। कुल 33 जिले हैं जो अब छत्तीसगढ़ में बन जाएंगे इनके बाद। 10 सितंबर 2022 को किस देश के द्वारा सुनील लांबा को पिंगट जैसा जैमलिंग पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर।
सितंबर 2022 में देश का सबसे बड़ा और बिहार का पहला रबड़ डैम का किस नदी पर उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फल्गु नदी पर, जिसे गया जी डैम नाम दिया गया है। 11 सितंबर 2022 को क्रिकेट एशिया कप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका ने। सितंबर 2022 में अमेरिका के किस शहर में पोलियो पर आपातकाल की स्थिति की घोषित की गई, आपातकाल की स्थिति जो है वो घोषित की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। फोजंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पवन सी लाल। किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने 12 सितंबर को ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है एरोन फिंच, जिन्होंने सितंबर में ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लिया है। 11 सितंबर को गुलाम अली को कहां से राज्यसभा सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। सितंबर 2022 में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का कहां निर्माण ना अधीन है, कहां निर्माण के अधीन है, यानी के कहां पर बनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर? तो इसका आंसर है सी, लोथल में। 12 सितंबर को बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है शाहरुख खान को। 13 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किए गए ककाड़ू युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस गश्ती विमान ने भाग लिया? तो इसका आंसर है P-81 समुद्री गश्ती। 14 सितंबर को किस राज्य को अमृत सरोवर योजना में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश को। 15 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान में। 16 सितंबर 2022 को किस खेल के खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लिया है? तो इसका आंसर है टेनिस। 181वां प्रश्न है, 17 सितंबर 2022 को किस देश से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो इसका आंसर है नाम्बिया। 18 सितंबर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन होगा, ये दोस्तों लीजन ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वाति पीरामल को, स्वाति पीरामल को। 18 सितंबर को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार। 20 सितंबर को किस देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया गया है? तो इसका आंसर है कजाकिस्तान। 20 सितंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर रोशिद लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। 21 सितंबर 2022 को नॉर्थ चैनल पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है एल्बिस अली हजारिका। 20 सितंबर को किस शहर में देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है वाराणसी। 21 सितंबर को किस कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी घोषित किया गया है? तो 12वीं महारत्न कंपनी जो है वो किसे अब घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ये आप जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि 12वीं महारत्न जो कंपनी है वो कौन सी बनी है, वो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बनी है। 23 सितंबर को मई 2019 से मई 2020 तक प्रधानमंत्री के कितने भाषणों के संग्रह सबका साथ सबका विकास पीएम नरेंद्र मोदी स्पीक्स का वेंकैया नायडू ने विमोचन किया? तो इसका आंसर है 86 यानी के 86। सितंबर 2022 में तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 23 सितंबर 2022 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजीव बहल को। 192 प्रश्न है, 24 सितंबर को किस देश की महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये भारत की है, झूलन गोस्वामी। 25 सितंबर 2022 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यक्ता नामक पुस्तक 5 खंड के जो लेखक है वो कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता। 26 सितंबर 2022 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम हो किनके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है शहीद भगत सिंह के नाम पर। 27 सितंबर को 10,000 शब्दों का शब्द कोश साइन लर्न ऐप किस सरकार ने जारी किया है? तो इसका आंसर है केंद्र सरकार ने। सितंबर 2022 में बर्लिन मैराथन 2022 जो है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर है इलियुड किप चोगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, 27 सितंबर को किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड को।
कौन सा जो कथन है वो सत्य है, आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है। जलदूत जो ऐप है वो लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने, और नए अटॉर्नी जनरल जो बने हैं वो आर वेंकटरमणि बने हैं। तो उपरोक्त सभी जो दी गई बातें हैं, ये जो कथन है ये सत्य हैं। कौन सा कथन असत्य है, तो आपको सत्य कथन बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कि देश की पहली डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत गांधीनगर नहीं है बल्कि केरल की पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है, जो देश की पहली डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत बनी है केरल की पुल्लमपारा। दोस्तों प्रश्न है, 30 सितंबर को जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका आंसर है 40वीं। इसका आंसर है 40वीं। दोस्तों अब हमारे पास शुरू हो रहे हैं अक्टूबर 2022 के एमसीक्यू प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी जिनका 1 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, तो इसका आंसर है जयंती पटनायक। 1 अक्टूबर को किसे चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है सृष्टि बख्शी। टाइम पत्रिका की टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, तो इसका आंसर है आकाश अंबानी। 1 अक्टूबर को कितने शहरों में 5G सर्विस लॉन्च जो है वो की गई है, तो इसका आंसर है 13 शहरों में। 2 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर जो है घोषित किया गया है, तो इसका आंसर है इंदौर मध्य प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के संदर्भ में कौन सत्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सत्य हैं। प्रथम राज्य जो रहा था वो मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ और तीसरा राज्य जो इसमें रहा महाराष्ट्र रहा था स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंदर। 3 अक्टूबर को बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जो है वो किस देश ने जीता है, तो इसका आंसर है अमेरिका ने। 4 अक्टूबर को महिला सुरक्षा हेतु हमार बेटे हमार मान नामक अभियान जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ ने। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों 9 प्रश्न है, 4 अक्टूबर को ममता कालिया को किस पुस्तक की रचना हेतु वैली ऑफ वर्ड्स 2022 पुरस्कार दिया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जीते जी इलाहाबाद। 210 प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2022 को क्वालिटी अवार्ड 2022 किस एयरपोर्ट को दिया गया है, तो इसका आंसर है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। 5 अक्टूबर 2022 को नॉन सेंट रिफ्यूजी अवार्ड 2022 जो है वो किसे दिया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एंजेला मर्केल को। 6 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकॉन जो है वो घोषित किया है, तो आंसर है ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी को, ये आप जरूर याद रखें। 7 अक्टूबर को छत्र रामरंजन पुरस्कार 2022 जो है वो किसे दिया गया है, तो आंसर है इसका यूटिंग टैंग को। 7 अक्टूबर को वर्ष 2022 के शुगर सीजन में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जो देश है वो कौन सा बना है, तो इसका आंसर है भारत। 8 अक्टूबर को 2019-20 के रणजी ट्रॉफी खिताब का विजेता जो खिताब है किस टीम ने जीत लिया, रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है किस टीम ने जीत लिया है, तो इसका आंसर है शेष भारत ने। धर्म परिवर्तन करने वालों के ऐसी दर्जे पर विचार करने हेतु केंद्र सरकार ने किसके अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है, तो इसका आंसर है केजी बाल कृष्णन। 9 अक्टूबर को गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका आंसर है स्मृति मंधाना को। कौन सा जो कथन है वो सत्य, आपको सत्य कथन बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी ए व बी दोनों ही कथन सत्य है कि FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जो है वो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है पुरुषों की कैटेगरी में, और FIH वुमेन्स के अंदर प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है वो फेलिस एल्बर्स को चुना गया है। 219वां प्रश्न है, 10 अक्टूबर को 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है, तो इसका आंसर है पूजा पटेल, आपसे जरूर याद रखें। 11 अक्टूबर को भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव किसे घोषित किया गया है, तो इसका आंसर है मोढ़ेरा जो कि गुजरात में स्थित एक गांव है, जो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है, आप इसे जरूर याद रखें। 221 प्रश्न है, 8 से 11 अक्टूबर तक 81वां इंडियन रोड कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किस शहर में हुआ, तो इसका आंसर है लखनऊ में। 11 अक्टूबर 2022 को JP के जयंती के अवसर पर सीता बदियारिया में किसके द्वारा 14 फीट ऊंची JP की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया गया है, तो इसका आंसर है अमित शाह के द्वारा। 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने फुटबॉल फॉर ऑल पहल जो लॉन्च की है, तो इसका आंसर है ओडिशा ने। 13 अक्टूबर को किसानों की सिंचाई योजना हेतु हिमकेड योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। 14 अक्टूबर को लॉन्च किए गए माँ भारती के सपूत वेबसाइट का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन को, आप इसे जरूर याद रखें। 226वां प्रश्न है,
15 अक्टूबर को जारी वैश्विक बुक सूचकांक 2022 के बारे में असत्य कथन पहचाने। तो आपको असत्य कथन पहचानना है जो कि सही नहीं है। तो प्रथम स्थान पर चीन रहा, भारत का जो रैंक था इसमें 107वां था और अंतिम देश जो इसमें यमन आता, पर कुल जो शामिल देश जो थे वो 130 नहीं थे बल्कि वो 121 देश इसमें शामिल किए गए थे। तो ये जो कथन है ये असत्य है कि कुल शामिल देश 130 थे, तो ये असत्य है बल्कि कुल जो शामिल देश थे वो 121 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 90वीं महासभा की जो मेजबानी है वो किस शहर ने की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन ए दिल्ली ने। 16 अक्टूबर को परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस शिक्षण संस्थान में किया गया है? तो इसका आंसर है IIT गुवाहाटी में। 17 अक्टूबर को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है हरियाणा को। अक्टूबर 2022 में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर है हैदराबाद को। हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का सम्मान दिया गया है अक्टूबर 2022 में। सही तथ्य की पहचान करें, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों। तो सही जो सही बात है या जो सही कथन है वो ए और सी दोनों ही है कि मछली उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है और दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है वो चीन है। 18 अक्टूबर को द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार 2022 जो है किसे देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है शेहान करुणा तिलका को। शेहान करुणा तिलका को जो श्रीलंका के उपन्यासकार हैं या लेखक हैं। 17 से 18 अक्टूबर को विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है दुबई में। अक्टूबर 2022 में बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसने बनाया है? तो इसका आंसर है सौरभ गांगुली को। 17 अक्टूबर को सर सैयद उत्कृष्टा पुरस्कार 2022 जो है वो किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को। प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को सर सैयद उत्कृष्टा पुरस्कार दिया गया है 2022 में। 19 अक्टूबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मल्लिकार्जुन खड़गे। सही तथ्य की आपको बताना है कि पुरुष बैलन डियोर गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जो करीम बेंजेमा को दिया गया है, बी है महिला बैलन डियोर अवार्ड 2022 जो अलेक्सिया पुटेलास को दिया गया है, या ए और बी दोनों ही है, या कोई सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों ही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों ही सही तथ्य है। 238 प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में जारी एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, साहिल सेठ। 17 से 20 अक्टूबर तक ISA की 5वीं सभा कहां आयोजित हुई? तो इसका आंसर है दिल्ली में। 20 अक्टूबर को निहुंशु को GI टैग रजिस्ट्री दिलवाने हेतु किस देश ने आवेदन किया है? तो इसका आंसर है जापान, इसका आंसर है जापान। 21 अक्टूबर को समाप्त हुए ट्राइगर ट्रम्प मानवीय सहायता अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में भारत ने किस देश के साथ किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच ट्राइगर ट्रम्प मानवीय सहायता अभ्यास किया गया है विशाखापत्तनम में। 22 अक्टूबर को मिशन डेफ स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है गांधीनगर गुजरात में। 7वां आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका आंसर है 23 अक्टूबर को। इसका आंसर है 23 अक्टूबर को 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। 24 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जो है वो कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऋषि सुनक। 25 अक्टूबर को बांग्लादेश से टकराए सितरंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर है थाईलैंड ने। स्पेन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका आंसर है अमन सैरावत। 26 अक्टूबर 2022 को यूरोपीय संघ का सखारो फ्रीडम प्राइज 2022 जो है किस देश को दिया गया है? तो इसका आंसर है यूक्रेन को। 27 अक्टूबर को किस फिल्म को FIPRESCI ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो इसका आंसर है पाथेर पंचाली को। 29 अक्टूबर को शुरू हुए लोकार्पण महोत्सव 2022 में उद्घाटित विश्व विश्वास स्वरूपम जो है वो किनकी प्रतिमा है? 29 अक्टूबर को शुरू हुए लोकार्पण महोत्सव 2022 में उद्घाटित विश्वास स्वरूपम जो है वो किनकी प्रतिमा है? तो इसका आंसर है भगवान शिव की, आप जरूर याद रखें। 250 प्रश्न है, 31 अक्टूबर को किस देश की जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप 2022 का जो खिताब है वो जीता है? तो इसका आंसर है भारत ने, इसका आंसर है भारत ने। दोस्तों अब हमारे पास शुरू हो रहे हैं नंबर 2022 के MCQ प्रश्न। तो 251 प्रश्न है,
1 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जो है वो जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्पेन ने, ऑप्शन सी स्पेन ने। 252 प्रश्न है, 1 नवंबर को बांग्लादेश सरकार ने किससे मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है एडवर्ड एम कैनेडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे ला न्यूक्लियरेशन डेलीएसी एशिया का परमाणुकरण पुस्तक का विमोचन जो है वो किसने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रेने नाबा ने। 2 नवंबर 2022 को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है परमा क्राइसिस। 3 नवंबर को T20 विश्व कप के इतिहास में 3 या अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो इसका आंसर है विराट कोहली। 4 नवंबर को मानगढ़ धाम को किस राज्य में राष्ट्रीय समारोह घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है राजस्थान में। 4 नवंबर को गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। 2022 में एजुथा चंद पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ए सेतु माधवन को। 2022 में आई कार गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर जी हेमा प्रभा। 5 नवंबर को श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता थे, ये किस राज्य से थे? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश से। तो जो श्याम शरण नेगी थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता थे और ये हिमाचल प्रदेश से थे, ये आप जरूर याद रखें। 261 प्रश्न है, 2 नवंबर 2022 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सुब्रकांत पांडा। किस राज्य सरकार ने 5 नवंबर 2022 को सभी विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को प्रदर्शित करने हेतु CM डैशबोर्ड और उपहार पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा ने। किस राज्य ने 5 नवंबर को मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड ने। 4 नवंबर को चेयंगजू यानी दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में कुवैत को हराकर किसने जीत हासिल की है? इसका आंसर है भारतीय पुरुष यानी कि भारतीय पुरुषों ने यानी कि भारत की टीम ने। 3 नवंबर को 3 से 5 नवंबर को किस राज्य के उमियम झील में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है मेघालय में। 6 नवंबर को विजिलेंट स्टॉर्म संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच। 7 से 9 नवंबर 2022 को वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लंदन में, इसका आंसर है ऑप्शन बी लंदन में। 7 नवंबर को ICC ने अक्टूबर पिलर ऑफ द मंथ जो है वो किसे घोषित किया है? तो इसका आंसर है ए व बी दोनों को, यानी कि पुरुष वर्ग में विराट कोहली को और महिला वर्ग में निधा डार को। 4 से 6 नवंबर 2022 तक 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है कोच्ची में। 2 नवंबर 2022 में भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल में 1 वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऋतुराज अवस्थी को। 22वें विधि आयोग के सदस्य जो है वो कौन नहीं है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर मोहन सुब्रमण्यम जो है वो नहीं है। 8 नवंबर को UAE में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर आधारित 2 किताबों मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी और हार्ट फेल्ट द लिगेसी ऑफ फेथ का विमोचन जो है वो किसने किया? तो इसका आंसर है राजीव चंद्र शेखर ने। 2022 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया किसे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों को, यानी कि शशिकला पांडे और गंगा जोशी को। 275 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 2041 तक। 8 नवंबर को ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वीरेंद्र सेवक को। 9 नवंबर को जारी विनिंग इन द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शेन वाटसन, इसे आप जरूर याद रखें। 9 नवंबर को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर है DY चंद्रचूड ने, ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं 9 नवंबर को, और इनसे पहले जो थे जो 49वें थे ये UU ललित थे।
नवंबर 2022 में किस देश ने लो अर्थ ऑर्बिट में ठोस ईंधन वाले गैम 100 रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ईरान, इसका आंसर है ईरान ने। नवंबर 2022 में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है ए व बी दोनों ने, यानी कि प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है केरल। 10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 जो किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है YKC वडियार को। फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कौन भारत की ओर से शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है रोशनी नाडार। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान नवंबर में दिया गया, इस संदर्भ में असत्य कथन को चुने, तो आपको असत्य कथन बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राशि 5 लाख रुपए दिया जाता है। 15 नवंबर को 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश ने भाग नहीं लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रूस ने, ऑप्शन डी रूस ने। 11 नवंबर को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मैसूर और चेन्नई के बीच किस स्टेशन से शुरू की गई है? तो इसका आंसर है क्रांतिवीर संगोली रायण्णा, क्रांतिवीर संगोली रायण्णा स्टेशन से शुरू की गई है। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने मातृभाषा सर्वेक्षण में कितनी भाषाओं को शामिल किया है? तो इसका आंसर है 576 भाषाओं को शामिल किया है। 12 नवंबर को अमेरिकी विभाग ने किन देशों को हटा दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इसका आंसर उपरोक्त सभी देशों को। 12 नवंबर को कितने साल की साझेदारी के अवसर पर 2022 वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष। 290 प्रश्न है, 13 नवंबर को T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप का विजेता बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। 13 नवंबर को 7वां अमूर फाल्कन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर में। 292 प्रश्न है, श्रीनाथ प्रभु कैंपागोड़ा की 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम से कांस्य प्रतिमा का बेंगलुरु में पीएम मोदी ने अनावरण जो है वो कब किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 11 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को ICC ने सबसे मूल्यवान टीम में किस भारतीय बल्लेबाज को शामिल किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों को। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का फोकस राज्य का जो दर्जा है वो किसे मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों को, यानी कि उत्तर प्रदेश और केरल दोनों को दिया गया है। 295 प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, 14 नवंबर को नतासा पिरकमूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो बन गई है? तो इसका आंसर है स्लोवेनिया की। नवंबर 2022 में किस देश को आसियान समूह ने 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तिमोर लेस्ते को, तिमोर लेस्ते को। 15 से 16 नवंबर 2022 को 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है बाली में। वित्तीय उत्पाद विक्रेता कंपनी नवी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। 15 नवंबर को पोसोको का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 300 प्रश्न है, 16 नवंबर को ओरियन अंतरिक्ष यान आर्टेमिस 1 का रॉकेट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, नासा ने। 16 नवंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहां स्थानांतरित करने का प्रस्ताव जो है वो मंजूर हुआ है? उसका आंसर है हल्द्वानी में, हल्द्वानी में नैनीताल से अब इसको शिफ्ट किया जाएगा। ITTF के एथलीट आयोग का पहला भारतीय सदस्य नवंबर में कौन बना है? तो इसका आंसर है शरद कमल। नवंबर 2022 में बिली जीन किंग कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हरा कर किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड ने बिली जीन किंग कप का खिताब जो है वो जीता है किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। 17 नवंबर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है होमर। 305 प्रश्न है, 18 नवंबर 2022 को एक्सेल पुरस्कार 2022 परिवार नियोजन हेतु किस देश को दिया गया है? तो इसका आंसर है भारत को। नवंबर 2022 में हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश करने वाला पहला राज्य बना है, पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। नवंबर 2022 में
अमर सरकार पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा ने। 20 नवंबर 2022 को द पैराडाइज ऑफ फूड रचना हेतु जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 जो है वो किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है खालिद जावेद को। 20 नवंबर को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? 20 नवंबर को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 जो है वो किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है दलाई लामा को। आप इसे जरूर याद रखें। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है साइमन सबैक मोंटेफियोर। साइमन सबैक मोंटेफियोर। 20 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है वो क्या है? तो इसका आंसर है 61वीं। इसका आंसर है 61वीं रैंक है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में। नवंबर 2022 में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया है? इसका आंसर है चिरंजीवी को। सुचित्रा चरतराम पुरस्कार 2022 नवंबर में किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है उमा शर्मा को। 21 नवंबर को शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन भारतीय जो सेना है उसने कहां किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान में। 19 से 24 नवंबर 2022 तक नसीम अल बहर 2022 का 13वां संस्करण भारत और ओमान की नौसेना के बीच कहां आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है ओमान के तट पर। नवंबर 2022 में टेबल टेनिस एशिया कप 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो महिला है वो कौन बन गई है? तो इसका आंसर है मनिका बत्रा। नवंबर 2022 में एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आंसर है नागपुर में। 23 नवंबर को ब्रांड अर्बन गबरू का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव को। किस देश के रेसिंग ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर है जर्मनी। ये जर्मनी के ड्राइवर हैं रेसिंग कार के सेबेस्टियन वेटल, जिन्होंने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है। 22 नवंबर को किस भारतीय को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। 23 नवंबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रवि कुमार सागर को। 23 से 25 नवंबर 2022 तक चौथा हिंद प्रशांत महासागर पहल का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। 323 प्रश्न है। 23 नवंबर 2022 को तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2021 के संदर्भ में सही कथन है, तो आपको सही कथन बताना है। तो इसका आंसर है कि उपरोक्त सभी सत्य है। उपरोक्त दिए गए जो सभी कथन है वो सत्य है। भूमि शासक श्रेणी में नेहा धाकड़ को दिया गया है, जल शासक श्रेणी में शुभम धनंजय वनमाली को दिया गया है और लाइफ टाइम श्रेणी में भवानी सिंह समयाल को चुना गया है। 21 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 तक गरुड़ शक्ति अभ्यास किस देश के करावांग में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया में। 24 नवंबर 2022 को वार्षिक युवा महोत्सव सोन जल 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आंसर है कश्मीर विश्वविद्यालय में। 25 नवंबर को फीफा वर्ल्ड कप के सभी पांचों संस्करणों में गोल करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना है? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 28 से 30 नवंबर 2022 तक समन्वय 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आंसर है आगरा में। इसका आंसर है आगरा में। 328 प्रश्न है। नवंबर 2022 में विमोचित इंडिया द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आईसीएचआर। नवंबर 2022 में डेविस कप जो है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कनाडा ने। कनाडा ने जीता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पैरा एस्ट्रोनॉट के रूप में जॉन मैकफॉल का चयन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री का चयन किया है जॉन मैकफॉल के रूप में। 26 नवंबर को किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर पर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है IDFC फर्स्ट ने। 26 नवंबर 2022 को किस निक्षय मित्र पहल की राष्ट्रीय राजदूत क्षय रोग टीबी उन्मूलन अभियान कौन बनी है? तो इसका आंसर है दीपा मल्लिक। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2023 के लिए गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है अब्दुल फतेह अल सीसी को, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 27 नवंबर को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में किस गांव को अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर है अरिता पट्टी को। 27 नवंबर को भारतीय नौसेना ने कहां से सर्वे वैसल इक्षक को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई से। ऑप्शन सी चेन्नई तमिलनाडु से। 22 से 28 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2022 का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आंसर है राजस्थान से। 28 नवंबर को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है पीटी उषा को।
28 नवंबर 2022 को 53वां इफ्फी में किस देश की फीचर फिल्म आगंतुक को प्रसाद डीआई पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश को। किस टूर्नामेंट में खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ जो कि महाराष्ट्र के हैं ने 1 ओवर में 7 छक्के मारने का अद्भुत रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया? तो इसका आंसर है विजय हजारे ट्रॉफी में। विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के मारने का अद्भुत रिकॉर्ड जो अपने नाम किया है, आप इसे जरूर याद रखें। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 28 नवंबर 2022 को किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है वी अन्नामलाई इमायम को। वी अन्नामलाई इमायम को। नवंबर 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नवंबर 2022 में लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने। खाद्य और कृषि संगठन ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर है 2023 को। 29 नवंबर 2022 को वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने ऑपरेशन हर्टशील किस जीव के अवैध शिकार को रोकने हेतु लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ताजे पानी का कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नवंबर 2022 को सेबी के अधिग्रहण नियमों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है एस जे वजीफदार। WHO ने 30 नवंबर को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम क्या दिया है? तो इसका आंसर है एम पॉक्स। मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या है? तो इसका आंसर है गैस लाइटिंग। 30 नवंबर को उत्तराखंड सरकार ने सांस्कृतिक विरासत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर है प्रसून जोशी को। नवंबर में भारोत्तोलन कॉमनवेल्थ खेलों में किसने भारत की ओर से 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर है मुस्कान शेख ने। 30 नवंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने G20 समूह की अध्यक्षता किस तिथि को ग्रहण की है? इसका आंसर है 1 दिसंबर 2022 से। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर 2022 को कहां आयोजित हुआ है? इसका आंसर है नागालैंड में। फीफा विश्व कप 2022 में पहली महिला मैच रेफरी स्टेफनी फ्रापार्ट जो है वो किस देश की है? इसका आंसर है फ्रांस की। 1 दिसंबर 2022 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर है 58वां। किस समाचार चैनल के वरिष्ठ संपादक रविश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है NDTV। विश्व एड्स दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका आंसर है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है प्रशांत कुमार को। 2 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहां से सुदर्शन अभ्यास को आयोजित किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान से। किस देश के साथ भारतीय सेना ने 12वां अग्नि योद्धा अभ्यास देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। यानी कि भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच 12वां अग्नि योद्धा अभ्यास जो है वो महाराष्ट्र के देवलाली में संपन्न हुआ है। 360 प्रश्न है। 2 दिसंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल किसने जीता है? तो इसका आंसर है सौराष्ट्र ने। 3 दिसंबर 2022 को भारतीय मूल की 3 महिलाओं को स्टैम्प के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है रेखा शर्मा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजय कुमार को। 3 दिसंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय लूसो फैन महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है गोवा में। श्रीमद भगवद गीता जयंती जो है वो किस तिथि को आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है 3 दिसंबर 2022 को। आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती दिसंबर 2022 में किस तिथि को आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है 3 दिसंबर को। दिसंबर 2022 में भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अंशकालिक अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। 4 दिसंबर 2022 को मनाए गए भारतीय नौसेना दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका आंसर है स्वर्णिम विजय वर्ष। स्वर्णिम विजय वर्ष। 10 दिसंबर 2022 को किस टीम के खिलाफ ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के। बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है फ्रीडम एंड मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन थे जिनका 4 दिसंबर 2022 को निधन हो गया है? तो इसका आंसर है डोमिनिक लैपियरे। डोमिनिक लैपियरे। 370 प्रश्न है। 4 दिसंबर 2022 को लंदन में ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत
सेगमेंट में वर्कर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जो किसे मिला है, तो इसका आंसर है कैनरा बैंक को। कैनरा बैंक को। अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया, तो इसका आंसर है 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को अर्ली वार्निंग की जारी रिपोर्ट में सामूहिक हत्या मामले में भारत की जो रैंक है वो क्या है, तो इसका आंसर है 8वीं। दिसंबर 2022 में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की जो रैंक है वो क्या है, तो इसका आंसर है 48वीं। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत रिग्रेट्स ट्रांस इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है विक्रम संपत। एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए छठा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना, तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है बेगमपेट में। दिसंबर 2022 में किस तिथि को लोंगेवाला युद्ध में भारत के जीत की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसका आंसर है 5 दिसंबर को। दिसंबर 2022 में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन है, तो इसका आंसर है भारत। इसका आंसर है भारत। 6 दिसंबर 2022 को जोगिंदर के अलग का जो निधन हो गया है वे क्या थे, इसका आंसर है ए व बी दोनों थे, यानी कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे वो अर्थशास्त्री भी थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किस तिथि को मैत्र दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो इसका आंसर है 6 दिसंबर 2022 को। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिसंबर 2022 में किस देश ने न्यू क्लियर बम वर्षक B-21 रेडर नामक विमान लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है अमेरिका ने। राष्ट्रीय दस दिवस 2022 कब मनाया गया, तो इसका आंसर है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को। सिप्री द्वारा जारी दुनिया की 100 शीर्ष कंपनियों में शामिल भारतीय कंपनी कौन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बी व सी दोनों, यानी के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड, ये दोनों ही है। ये एरोनॉटिकल है या इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये दोनों ही कंपनियां सिप्री द्वारा जारी की गई जो रिपोर्ट है उसमें ये शामिल है, हथियार बनाने वाली शीर्ष 100 कंपनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां निर्माणाधीन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख में। किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर दिसंबर 2022 में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना शुरू की है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने। दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना के किस देश के साथ गोवा में 7वां संगम अभ्यास आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर है अमेरिका। विश्व बैंक ने 2022 से 23 हेतु भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो इसका आंसर है 6.9%। 6.9%। 388 प्रश्न है। पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भारत ने 6 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसका आंसर है 14 पदक। दिसंबर 2022 में बीबीसी द्वारा जारी दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की ओर से कौन शामिल नहीं है, आपको नहीं बताना है, तो इसका आंसर है रोशनी नडर। समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने वाला ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दिसंबर 2022 में किस संस्थान ने विकसित किया है, तो इसका आंसर है IIT मद्रास ने। 8 दिसंबर 2022 को दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर महिला सदस्य बॉबी किन्नर किस पार्टी से निर्वाचित हुई है, तो इसका आंसर है आप पार्टी से। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है KV सुरेश कुमार को। 8 दिसंबर 2022 को डीना बोलुआटे किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसका आंसर है पेरू की। दिसंबर 2022 में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है, तो इसका आंसर है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को, ये आप जरूर याद रखें। 10 दिसंबर को किस देश के फुटबॉल लेखक ग्रांट वाहल का निधन हो गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए USA। किस देश के फुटबॉलर फॉरवर्ड एडन हजार्ड ने संन्यास की घोषणा की है, तो इसका आंसर है बेल्जियम। दिव्यांगों के लिए नया विभाग बनाने की घोषणा करने वाला राज्य पहला राज्य कौन है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या है, तो इसका आंसर है गोबलिन मूड। दिसंबर 2022 में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है KV शाजी। B20 इंडिया का नया अध्यक्ष दिसंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है एन चंद्रशेखरन। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है मानसी गुलाटी। किस लोक संगीत की गायिका सुलोचना चौहान का 10 दिसंबर 2022 को निधन हो गया है, तो इसका आंसर है लावणी।
भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है ए व बी दोनों को, यानी के डॉक्टर ओगिरत यूनान को और डॉक्टर वालिद सलाबी को। कारगिल दीपम रथ उत्सव 2022 दिसंबर में कहां आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है मदुरै में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहां हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी गोवा में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है मेघना अहलावत को। दिसंबर 2022 में भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो इसका आंसर है आदित्य मित्तल। दिसंबर 2022 में भारत का 77वां जो ग्रैंड मास्टर बना है वो आदित्य मित्तल बने हैं। 11 दिसंबर 2022 को किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका आंसर है ए व बी दोनों को, मैक लॉगलिन और लेब्रॉन और वाल्टर मोंटो डुप्लांटिस दोनों को दिया गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या किए जाने के प्रस्ताव को चुनाव आयोग ने मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है भारत राष्ट्र समिति, यानी कि तेलंगाना के स्थान पर भारत शब्द यूज किया जाएगा, भारत राष्ट्र समिति। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम भारत राष्ट्र समिति अब होगा। दिसंबर 2022 में जारी कैपिटल इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 87वीं। 411 प्रश्न है, फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 6 भारतीय महिलाओं में कौन शामिल नहीं है? जो 6 महिलाएं शामिल गई उनमें से कौन सी एक महिला शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्मृति ईरानी शामिल नहीं है। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? तो इसका आंसर है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। दिसंबर 2022 में अशोक लेलैंड का नया एमडी एमसीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शीनू अग्रवाल। 11 दिसंबर 2022 को तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है 141वीं। किस एयरपोर्ट पर दिसंबर 2022 में देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है कोचीन। नवंबर 2022 हेतु ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सिद्रा अमीन को। 12 दिसंबर 2022 को किस देश के एकमात्र कॉस्मोनॉट मिरोस्लाव हेमर्ज्वेस्की का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है पोलैंड के। नवंबर 2022 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है जोस बटलर को। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। 13 दिसंबर 2022 को किस देश ने राशिद नाम से अपने पहले चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया? तो इसका आंसर है UAE। श्री अरविंदो की 150वीं जयंती कब मनाई गई? इसका आंसर है 13 दिसंबर 2022 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया चीफ साइंटिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जेरेमी फरार को। 14 दिसंबर 2022 को चौथे टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है हैदराबाद ने। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु तंबाकू कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड, या जरूर याद रखें। सार्वजनिक नेतृत्व हेतु दिसंबर 2022 में SIES राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जो है वो किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है वेंकैया नायडू को। दिसंबर 2022 में किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर है मेघालय को। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेतु दिसंबर 2022 में कौन सा देश स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। 15 दिसंबर 2022 को छठा इंडो कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 22 कहां आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है उमरोई में। 430 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, 15 दिसंबर 2022 को 7वां इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट कहां आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण दिसंबर 2022 में किस तिथि को किया गया था? तो इसका आंसर है 15 दिसंबर को। दिसंबर 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से बाहर कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ईरान को। 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जो रूट। 17 दिसंबर 2022 को प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है जयपुर पिंक पैंथर्स ने, इसे आप जरूर याद रखें।
विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 में कहां आयोजित हुआ है? इसका आंसर है जनेवा में। 19 दिसंबर को भैरव सिंह राठौड़ का निधन हो गया, ये किस लड़ाई के नायक थे? इसका आंसर है 1971। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने 19 दिसंबर 2022 को संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर है फ्रांस के। ये फ्रांस के फुटबॉलर थे करीम बेंजेमा। 15 दिसंबर 2022 को सरदार पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका आंसर है 71वीं। 71वीं सरदार पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। भारत नेपाल के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 का आयोजन 16 दिसंबर 2022 को कहां शुरू हुआ? तो इसका आंसर है साल झंडे। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 हेतु किस कंपनी को हॉकी इंडिया का आधिकारिक भागीदार किसे बनाया गया है? इसका आंसर है टाटा स्टील को। 441वां प्रश्न है, 17 दिसंबर 2022 को किसके खिलाफ इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर रेहान अहमद ने टेस्ट मैच में डेब्यू किया है? इसका आंसर है पाकिस्तान। 18 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल स्टार कौन बनी? तो इसका आंसर है दीपिका पादुकोण। आप इसे जरूर याद रखें। 18 दिसंबर 2022 को अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है फ्रांस को। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। आप इसे जरूर याद रखें। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो इसका आंसर है किलियन एम्बापे को। तीसरा, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बांग्लादेश को हराकर किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है भारत को। दिसंबर 2022 में पैट्टा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से किसे नवाजा गया है? तो इसका आंसर है सोनाक्षी सिन्हा को। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है सी रंगराजन। संस्कृति मंत्रालय द्वारा कर्तव्य पथ पर अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किस अवधि में हुआ है? तो इसका आंसर है 16 से 30 दिसंबर 2022 तक। देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर है सानिया मिर्जा। इसे आप जरूर याद रखें। दिसंबर 2022 में इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। 451 प्रश्न है, दिसंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संतोष कुमार यादव को। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है धर्मदम को। ये केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है। आप इसे जरूर याद रखें। 453 प्रश्न है, 21 दिसंबर 2022 को की गई घोषणा के अनुसार गगनयान को किस वर्ष के अंतिम तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर है वर्ष 2024 तक। 21 दिसंबर 2022 को सबसे भयंकर सर्दी चिल्लई कला कहां शुरू हुई? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला। दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है अनुष्का शर्मा को। सेत रिचम संगतम को किस राज्य में ग्रामीण विकास में योगदान देने हेतु दिसंबर 2022 में पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है नागालैंड में। दिसंबर 2022 में सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत कौन बना है? तो इसका आंसर है सोहेल एजाज खान। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बेथ मिडको। आप इसे जरूर याद रखें। किस भारतीय साइक्लिस्ट को एकलव्य पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका आंसर है स्वस्ति सिंह को। 461 प्रश्न है, किस देश के फुटबॉलर राइट बैक जॉर्ज कोहेन का दिसंबर 2022 को निधन हो गया है? 23 दिसंबर 2022 को निधन हो गया है। तो इसका आंसर है इंग्लैंड। भारतीय लाइफ स्टाइल ब्रांड नॉइस ने किसे अपनी स्मार्ट वॉच का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है? तो इसका आंसर है विराट कोहली को। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है शेखर पाठक को। द चिपको मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है शेखर पाठक। दिसंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है हेमंत गुप्ता। आप इसे जरूर याद रखें। फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है PV सिंधु। 21 साल बाद भारतीय 21 सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है सरगम कौशल ने।
23 दिसंबर 2022 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा डांस टू डी कार्बोनाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत दिसंबर 2022 में 21 राज्य ने की है? तो इसका आंसर है असम ने। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण 21-24 जनवरी 2023 को कहां आयोजित होगा? तो इसका आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका आंसर है 24 दिसंबर को। गगनयान के 3 मिशन में कौन सा मानव युक्त मिशन होगा? तो इसका आंसर है H1। ब्रिस्बेन ओलंपिक और पैरालंपिक 2032 हेतु आयोजन समिति का उद्घाटन CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सीढ़ी हुक को। EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों, न्यूयॉर्क और सिंगापुर दोनों। नेक्स्ट है, 24 दिसंबर 2022 को लोसर महोत्सव कहां मनाया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख में। 24 दिसंबर को सिद्धवनी राबुका किस देश के 12वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है फिजी के। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाने की घोषणा दिसंबर 2022 में की गई है? तो इसका आंसर है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2022 में किस राज्य के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश का। दिसंबर 2022 में रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचरी पुरस्कार और टैगोर पुरस्कार 2021-22 किसे नहीं मिला है? तो इसका आंसर है कमल शर्मा को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है किस राज्य का? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुडुचेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर है नितिन गडकरी। ग्वालियर गौरव दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका आंसर है 25 दिसंबर को। दिसंबर 2022 में ब्रांड ईटिंग अमीबा का पहला केस किस देश में सामने आया है? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया में। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय सबसे अधिक किस राज्य में हो गया है? तो इसका आंसर है मेघालय में। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जेल को 5-स्टार रेटिंग मिला है? तो इसका आंसर है बुलंदशहर। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम किस पूर्व क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है शेन वॉन। 23 दिसंबर 2022 को हुई IPL की नीलामी के संदर्भ में कौन असत्य है? तो इसका आंसर है दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक रहे, ये असत्य है। किस राज्य के 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। भारत की सहायता से निर्मित 720 मेगावाट की मंगदिच्छु जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है भूटान में। सैनिकों हेतु भारत की पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन दिसंबर 2022 में कहां किया गया है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद कैंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किसे इजराइल की संसद का नया स्पीकर चुना गया है? तो इसका आंसर है आमिर ओहाना को। 24 दिसंबर 2022 को पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है केरल में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर तारे का नाम को किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्टर में पंजीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है 25 दिसंबर 2022 को, उनके जन्मदिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन जो है किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। किस देश के क्रिकेटर फरहान बहरदीन ने संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है फरहान बहरदीन। सूचना का अधिकार के तहत 2021-22 में जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो किस राज्य का रहा है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु का। दिसंबर 2022 में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड लॉन्च हुआ है? भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड जो है वो लॉन्च हुआ है, तो इसका आंसर है कल्याणी फेरस्टा। दिसंबर 2022 में NAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इसका आंसर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। 500 प्रश्न दोस्तों हमारे सामने। वर्ष 2022-23 में शुरू गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है 356वीं।
तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो दिया गया है? तो इसका आंसर है बद्री नारायण को। तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो बद्री नारायण को मिला है। नवीनतम आंकड़ों के आधार पर कॉफी उत्पादन और निर्यात में एशिया में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है तीसरा। इसका आंसर है तीसरा स्थान। ब्रह्मोस के हवाई प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किस विमान से किया गया है? तो इसका आंसर है सुखोई 30 MKI। 10वां पूर्वोत्तर समारोह 25 दिसंबर 2022 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। RBI ने किनिया किस देशों के साथ पहली बार भारतीय रुपया में व्यापार प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों के साथ, यानी कि श्रीलंका और रूस दोनों के साथ। रेल मंत्रालय ने किस श्रेणी के 100 से अधिक स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है छोटे स्टेशन। गर्भवती महिलाओं के देखभाल हेतु दिसंबर 2022 में किस संस्थान ने स्वस्थ गर्भ नामक ऐप विकसित किया है? स्वस्थ गर्भ नामक जो ऐप है वो विकसित किया है। तो इसका आंसर है ए व बी दोनों ने, यानी कि IIT रुड़की और दिल्ली एम्स दोनों ने किया है। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के मुंगला बंदरगाह को नया रूप देने हेतु एक समझौता किया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश ने। टेस्ट एटलस के अनुसार सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारतीय व्यंजन की रैंक 2022 में क्या है? तो इसका आंसर है 5वीं। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 27 दिसंबर को। दिसंबर 2022 में किस कंपनी को भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का अवार्ड जो है वो मिला है? तो इसका आंसर है NHPC को। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किन संस्थाओं को मिला है? तो इसका आंसर है बी एवं सी दोनों को, यानी के IMA को और TNOI को, दोनों को दिया गया है। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है ए एवं बी दोनों ने, यानी कि लवलीना बोरगोहेन ने और निकत जरीन ने। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु मन्ना नाला नला थंगू मद्रम योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु ने। किस मार्कंद कंपनी ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सघन TB उन्मूलन परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर है इंडियन ऑयल ने। पहला वीर बाल दिवस 2022 कब मनाया गया है? किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका आंसर है 26 दिसंबर को। किस देश ने अपनी राजधानी में अप्रैल 2025 के बाद बनने वाले घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगवाना अनिवार्य घोषित किया है? तो इसका आंसर है जापान ने। किस राज्य ने अपनी सभी योजनाएं हेतु दिसंबर 2022 में आधार अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु ने। दिसंबर 2022 में किस राज्य की पुलिस की नशा विरोधी निजात अभियान को लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन श्रेणी में IACP अवार्ड 2022 हेतु चुना गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा। वर्ष 2031 तक देश में कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ होंगे? तो इसका आंसर है 20। इसका आंसर है 20। दिसंबर 2022 में किस राज्य के एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है केरल। इसे आप जरूर याद रखें। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। दिसंबर 2022 में राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में किसे शामिल किया गया है? राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किसे किया गया है? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों को, PT उषा को भी और विजय साई रेड्डी को भी। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो है वो कौन बनी है? तो इसका आंसर है लक्ष्मी सिंह। 27 दिसंबर 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर धनु यात्रा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है उड़ीसा में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात की 15वीं विधानसभा का स्पीकर दिसंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शंकर चौधरी को। दिसंबर 2022 में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है? तो इसका आंसर है अमेरिका ने। इसका आंसर है अमेरिका ने। चीन में दिसंबर 2022 में नई लहर के लिए कोरोना के किस वेरिएंट को जिम्मेदार बताया गया है? तो इसका आंसर है BF.7। 531वां प्रश्न है, वर्ष 2022 के प्रमुख 50 फिल्मों में
भारत के किस फिल्म को शामिल किया गया है? इसका आंसर है RRR। दिसंबर 2022 में प्रदत्त साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संदर्भ में असत्य कथन चुने। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मराठी का विजेता विनय गुप्ता। मराठी का विजेता विनय गुप्ता नहीं है, बल्कि मराठी का विजेता प्रवीण दशरथ है। और जो विनय गुप्ता है, ये डोगरी भाषा के लिए इनको दिया गया है, डोगरी भाषा हेतु इनको दिया गया है। दिसंबर 2022 में भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। 200 अरब डॉलर की नेटवर्थ गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है एलन मस्क। दिसंबर 2022 में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा हेतु पहला स्वदेशी टीका किस संस्था ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है AOC दोनों ने, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने और ICAR ने। दिसंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। दिसंबर 2022 में बम चक्रवात ने किन देशों को प्रभावित किया है? तो इसका आंसर है ए व बी दोनों को, अमेरिका और कनाडा दोनों को। पटना नगर निगम की मेयर पद पर कौन दिसंबर 2022 में निर्वाचित हुई है? तो इसका आंसर है सीता साहू। फीफा द्वारा दिसंबर 2022 में जारी विश्व रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? तो इसका आंसर है ब्राजील। FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है गंजी कमला वी राव को, गंजी कमला वी राव को। 29 दिसंबर 2022 को बिहार के किस व्यक्ति को अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है प्रभु चंद्र मिश्रा को, प्रभु चंद्र मिश्रा को। भारतीय चुनाव आयोग ने किस श्रेणी के लोगों हेतु दिसंबर 2022 में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RVM का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो इसका आंसर है घरेलू प्रवासी श्रमिक। दिसंबर 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव को। दिसंबर 2022 में दियाबारी और अमरगांव के बीच किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। 28 दिसंबर 2022 को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। 29 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ब्राजील के। 30 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी की मां का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो पीएम मोदी की मां का नाम क्या था? तो इसका आंसर है हीराबेन। दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल का कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है प्रहरी ऐप। दिसंबर 2022 में भारत का दूसरा सबसे लंबा केवल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला है? जुआरी ब्रिज जो है वो कहाँ खुला है? तो इसका आंसर है गोवा में, इसका आंसर है गोवा में। वर्ष 2023 को किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है बाजरा। 31 दिसंबर 2022 को डैश वे पोप बेनेडिक्ट का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ए 16। तो 16वें पोप बेनेडिक्ट का निधन हो गया है, ये आप जरूर याद रखें। 1 जनवरी 2023 को रेलवे भर्ती बोर्ड के प्रबंध निदेशक MCEO का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका आंसर है अनिल नौहटी, अनिल कुमार लाहौटी। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु ने। दिसंबर 2022 में किस यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने अष्टाध्यायी के पुराने नियम को डिकोड किया है? तो इसका आंसर है कैम्ब्रिज। 1 जनवरी 2023 को यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश बना है? तो इसका आंसर है क्रोएशिया, इसका आंसर है क्रोएशिया, आप इसे भी जरूर याद रखें। 1 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है कौस्तभ चटर्जी, कौस्तभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, आप इसे जरूर याद रखें। दिसंबर 2023 तक पश्चिम बंगाल की किस नदी में निर्माणाधीन भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चालू होने की संभावना है? तो इसका आंसर है हुगली। 1 जनवरी 2023 को इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अजय श्रीवास्तव को। 1 जनवरी 2023 को डॉक्टर मंजूला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वे क्या थे? तो इसका आंसर है नौकर शाह। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को वर्ष 2022 में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ट्रैक साइकिलिंग। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक हो गया है? तो इसका आंसर है भारत। UNSC में दिसंबर 2022 में किस देश की हिंसा समाप्त करने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है? तो इसका आंसर है म्यांमार। भारतीय नौसेना द्वारा भारत का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में।
दिसंबर 2022 में यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टर नेटवर्क में भारत से किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर महिमा स्वामी को, डॉक्टर महिमा स्वामी को। पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 30 दिसंबर 2022 को किस मार्ग पर शुरू की गई है? तो इसका आंसर है हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। 30 दिसंबर 2022 को अल्माटी कजाकिस्तान में आयोजित फीडे वर्ल्ड बिल्टर शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में भारत की ओर से किसने रजत पदक जीता है? तो भारत की ओर से किसने रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर है कॉनरी हम्पू ने। 31 दिसंबर 2022 को किस राज्य के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर है कर्नाटक, इसका आंसर है कर्नाटक में। किस कंपनी के पूर्व निदेशक आर के कृष्ण कुमार का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है टाटा सन्स। दोस्तों अब हमारे पास शुरू हो रहे हैं जनवरी 2023 के MCQ प्रश्न। 570 प्रश्न है। 1 जनवरी 2023 को किस दल के नेता PV चलपति राव गारू का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है भाजपा। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को भारतीय वायुसेना के किस कमान की जिम्मेदारी 1 जनवरी 2023 को सौंपी गई है? तो इसका आंसर है पश्चिमी, इसका आंसर है पश्चिमी कमान की। 2 जनवरी 2023 को किस राज्य के मांडा शहर में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक, इसका आंसर है कर्नाटक। 2 जनवरी 2023 को LMML सोसाइटी के वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने। 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है नागपुर में। 5 से 8 जनवरी 2023 को ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है 10वां, इसका आंसर है 10वां, इसे आप जरूर याद रखें। 16 से 26 जनवरी 2023 तक वीर गर्जन हवाई युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच पहली बार होगा? तो इसका आंसर है जापान। RBI ने अपने इतिहास की किस अवधि का 5वां खंड जारी किया है? तो इसका आंसर है 1997 से 2008 तक। 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में, आप इसे जरूर याद रखें। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक किस शहर में अर्बन 20 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। 580 प्रश्न है। भारत ने किस तिथि को एक वर्ष के लिए वासीना व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो किस तिथि को एक वर्ष के लिए वासीना व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2023 को। 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो इसका आंसर है जयदेव उनादकट, जयदेव उनादकट। 4 जनवरी 2023 को हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो इसका आंसर है चीन। 2021 से 22 में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली सार्वजनिक उद्यम किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ONGC। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवासीय भूमि सुधार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश ने। 5 जनवरी को किस राज्य में दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। 5 जनवरी को ताड़ के पत्तों वाला पहला पांडुलिपि संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम केरल में। 6 जनवरी को मंगू भाई पटेल ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है? तो इसका आंसर है AK त्रिवेदी। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का वैश्विक साझेदार किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है JSW को। असम वैभव पुरस्कार 2022 से 2023 के विजेता के रूप में 6 जनवरी को किसके नाम की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर है डॉक्टर तपन सेकिया, डॉक्टर तपन सेकिया। 590 प्रश्न है। 6 जनवरी को देश का पहला पर्पल फेस्ट कहां आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है गोवा में। 7 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत का शीर्ष रोजगार प्रदाता शहर है? तो इसका आंसर है चेन्नई, इसका आंसर है चेन्नई। 7 जनवरी को पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है मेघालय में, इसका आंसर है मेघालय में। बिहार में जनवरी 2023 में जातिगत जनगणना किस तिथि को शुरू हुई है? बिहार में जनवरी 2023 में जातिगत जनगणना जो किस तिथि को शुरू हुई है? इसका आंसर है 7 जनवरी 2023 से बिहार की जातिगत जनगणना शुरू की गई है।
7 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े ऑटो बाजार में भारत की स्थिति है, तो इसका आंसर है तीसरी। 8 जनवरी 23 को ढाका लिट्टी फेस्ट का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, इसका आंसर है 10वां। 16 से 26 जनवरी 23 तक दीर्घ आर्जन वायुसेना अभ्यास किन देशों के बीच प्रस्तावित है, तो इसका आंसर है भारत और जापान के बीच। 8 जनवरी को पतंग महोत्सव 23 कहां हुआ, तो इसका आंसर है अहमदाबाद गुजरात में। 9 जनवरी को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 23 सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, तो इसका आंसर है इंदौर मध्य प्रदेश में। 10 जनवरी को किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 23 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो इसका आंसर है द कश्मीर फाइल्स को। 10 जनवरी 2023 को पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल ट्रेनिंग कहां लॉन्च किया गया, सफल ट्रेनिंग कहां लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर है चांदीपुर उड़ीसा में जो स्थित है, चांदीपुर उड़ीसा में जो स्थित है। 13 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन कहां से किया गया है, तो इसका आंसर है वाराणसी से। जनवरी 2023 में ब्राजील में स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है सोनिया गुजाजारा को। COP28 का आयोजन 2023 में किस देश में किया जाएगा, तो इसका आंसर है यूएई में, यूएई में। दोस्तों यह हमारा अंतिम प्रश्न है 604 प्रश्न रुकुमणी एमसीक्यू प्रश्नों में। 14 जनवरी 2023 को डैश व सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर है 7वां, इसका आंसर है 7वां। 14 जनवरी 23 को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ रुकुमणी प्लेटफॉर्म के 600 एमसीक्यू प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।